हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि एयरपोर्ट में आ चुकी है बिल्कुल सीधी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एयरपोर्ट की नई भर्ती की कंप्लीट जानकारी लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक इस भर्ती के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आज इस वैकेंसी की जानकारी लीजिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि एयरपोर्ट में जो वैकेंसी निकाली गई है, 400 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो 400 से अधिक है। तो 400 से अधिक पोस्ट पर वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन की बात की जाए यहाँ पर तो कम से कम 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th क्लास पास कैंडिडेट जो है 100% इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के सीधी भर्ती के माध्यम से आपको एयरपोर्ट में जॉब मिलने वाली है। एयरपोर्ट की जो वैकेंसी है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, यानी कि एयर इंडिया की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कौन कौन सी पोस्ट पर ये भर्ती है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पहला सा लाइक कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार आप सभी के लिए नई जॉब की अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना आपको नई जॉब की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज की नई एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जारी कर दिया गया है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। तो हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarrantpulse.xyz। यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों आपके सामने है, एयर इंडिया सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से निकाली गई है, एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इस साल 2024 की ये नई वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट की बात की जाए तो नंबर वन जो वैकेंसी है यूटिलिटी एजेंट कम रेंट ड्राइवर की है। सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो हैंडीमैन की है और थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है वो हैंडी वुमेन की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं और यहाँ पर टोटल 422 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। तो टोटल 422 वैकेंसीज यहाँ पर है। क्वालिफिकेशन आपको यहीं पर ही क्लियर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर नंबर जो वैकेंसी है इसके लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर हैंडीमैन के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडी वुमेन के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है मेल के लिए है, लड़कों के लिए है, और ये जो वैकेंसी है फीमेल के लिए, ठीक है। बाकी ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है, सभी के लिए वैकेंसी है, अप्लाई कीजिएगा। वहीं यहाँ पर अप्लाई करने का जो मोड है वो केवल इंस्टीट्यूट के थ्रू रहेगा। आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स इन सभी के साथ जाना होगा बताए हुए एड्रेस पर इंटरव्यू के लिए। वहीं पर ही आपको इंटरव्यू देना है और डॉक्यूमेंट आपको वहीं के वहीं सबमिट करने होंगे, ठीक है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। तो सभी के लिए यहाँ पर जॉब निकाली गई है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो केवल आपका इंटरव्यू होगा, तो यहाँ पर इंग्लिश में या हिंदी में आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों सैलरी की बात की जाए तो 17,500 से 32,000 रुपए तक पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। और एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। और एज का रिडक्शन भी आपको मिलेगा रिजर्व कैंडिडेट्स को, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए एप्लीकेशन फीस की, तो फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए है जो कि नॉन रिफंडेबल है। डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा DD के द्वारा आपको पेमेंट करना है। बाकी एससी एसटी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज। तो यहाँ पर 10th, 12th और डिग्री पास सभी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पर दिया गया है। और आपकी जो इंटरव्यू होने वाले हैं वो कब से कब तक होंगे, 2 मई से 4 मई तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, आप नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पे आएंगे तो स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेन्नई स्टेशन के लिए वैकेंसी है, कौन कौन सी पोस्ट है। यूटिलिटी एजेंट कम रेंट ड्राइवर की पोस्ट है, हैंडीमैन और हैंडी वुमेन की पोस्ट है। कितनी कितनी वैकेंसी है मेंशन यहां पर कर रखा है और वर्किंग डेट और टाइम यहां पर मेंशन कर रखा है। 2 मई को इस पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू होगा और 4 मई को आपका इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा।
कहां पर होगा, पूरा का पूरा एड्रेस यहां पर दे रखा है पिन कोड के साथ में, यानी कि चेन्नई में आपको जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लैंडमार्क भी यहां पर आपका दे रखा है नियर ताज कैटरिंग, ठीक है, तो यहां पर आपको पहुंचाना है इंटरव्यू के लिए। और ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी कैंडिडेट्स जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से आपको जॉब मिलने वाली है, वो भी एयरपोर्ट की जॉब है। अगर आप एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं, फ्लाइट देखना चाहते हैं, एयरलाइंस में काम करना चाहते हैं, एयरपोर्ट को देखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो काफी अच्छी जॉब है, अप्लाई कीजिएगा आज की आज, अभी की अभी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विजन क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या रहेगा, मिशन क्या है, सभी जानकारी दी है। और सैलरी आप दे सकते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पर सैलरी को मेंशन कर रखा, कौन सी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, टेंथ पास भी अप्लाई कर सकते हैं, माफ कीजिएगा यहाँ पर टेंथ पास भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर ट्वेल्थ बताया था, लेकिन ये ट्वेल्थ नहीं है, टेंथ पास के लिए वैकेंसीज है, यानी कि सभी की सभी वैकेंसीज जो है टेंथ पास के लिए है। 24,960 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, और अपर एज का जो रिलैक्सेशन है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो आपको करना क्या होगा, सभी जानकारी यहाँ पर है, ठीक है। हैंडीमैन हैंडी वुमेन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, और एज का रिलेक्शन क्या रहेगा, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है, पिन कोड के साथ यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं उसकी लिस्ट भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे आ जाइएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको भर करके सबमिट करना है। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी आपकी देनी है, आपकी फोटोग्राफ लगानी है, और आप जो भी जानकारी है आपकी वो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। और डॉक्यूमेंट जो भी लगा रहे हैं आप उनकी फोटो को भी आपको सेल्फ अटेस्टेड के साथ में लेके जानी होगी इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भर करके साथ में, ठीक है। तो इसे भर लीजिएगा, यहाँ पर आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है, जैसा कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, पिताजी का नाम क्या है, स्टेशन क्या है, और आपका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, जेंडर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है, सारी जानकारी आपको देनी है, कैटेगरी क्या है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगाने हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।